सर्दियों में होने वाली शादियों में और किसी भी फंक्शन में गाजर का हलवा ज़रूर मिलता है, लेकिन हलवाई जैसा गाजर का हलवा और घर के गाजर के हलवे में बहुत फ़र्क होता है। हम कई बार अवॉइड कर देते हैं गाजर का हलवा बनाना क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, स्पेशली जो लोग वर्किंग होते हैं उनके लिए। आज हम एक नई रेसिपी लेकर आए हैं, झटपट से बनने वाला गाजर का हलवा प्रेशर कुकर में। ना गाजर घिसने का झंझट, ना दूध उबाल के उसे सुखाने का झंझट, बहुत मिनटों में बनकर तैयार होने वाला ये गाजर का हलवा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं और एक बार बना लीजिए और पूरा वीक आराम से खाते रहिए। बच्चों के टिफ़िन में या बड़ों के टिफ़िन में आप रख कर इसे भेज सकते हैं ताकि वो अपने वर्किंग प्लेस पर इंजॉय कर सकें। सबसे पहले एक पैन में 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क को हम उबलने के लिए रख देंगे और फिर उसे लो फ्लेम पर रख करके धीरे धीरे गाढ़ा होने देंगे। जब तक मिल्क स्लो फ्लेम पर उबल करके आधा होता है, उतनी देर में हम गाजर लेंगे और उन्हें अच्छी तरह से वॉश करके छीलेंगे और फिर से वॉश करेंगे ताकि उसमें कोई मिट्टी ना रह जाए। हम गाजर को पल्स मोड पर मिक्सर ग्राइंडर में फाइनली चॉप कर सकते हैं और आप कद्दूकस में भी ग्रेट कर सकते हैं। लीजिए, जब तक हमने गाजर धोकर छील कर चॉप करके तैयार किया था, उतनी ही देर में मिल्क उबल उबल करके आधा हो चुका है। अब हम इसे एक कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मिल्क और गाजर को मिक्स करते जाएंगे। आप गाजर के हलवे को मीठा करने के लिए जैगरी का यूज़ कर सकते हैं, चीनी का यूज़ कर सकते हैं और कंडेंस्ड मिल्क जो मीठा वाला आता है ना मार्केट में, वो भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपको फिर अलग से चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। गाजर का हलवा सर्दियों में बनने वाली एक ऐसी डिश है जो हर घर में बनती है। लगातार चलाते हुए मिल्क और कैरेट को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब तक कि वो पूरी तरह आपस में घुल मिल ना जाएं। थोड़ा थोड़ा करके बचा हुआ मिल्क भी हम ऐड करते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम कंडेंस्ड मिल्क इसमें डालेंगे। यहाँ मैंने 350 ग्राम्स कंडेंस्ड मिल्क लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। गाजर के हलवे को अच्छा सा फ्लेवर और कलर देने के लिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे केसर या सेफ्रन के कुछ थ्रेड्स। सभी इंग्रेडिएंट्स को फिर से अच्छी तरह मिक्स करेंगे और उसके बाद हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और धीमी आंच पे 2 विसिल लाने देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद कुकर हमारा ठंडा हो चुका है, गाजर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है और इस मिक्सचर की जो टेक्सचर है वो बहुत ही थिक और क्रीमी हो गया है और साथ ही मिल्क और केसर का एक कंबाइंड अरोमा बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हाई फ्लेम पर कंटिन्यूस चलाते हुए इसका बचा हुआ जो मिल्क है उसे भी हम सुखा लेंगे। बहुत जल्दी हो जाता है ये प्रोसेस। ये देखिए, ऑलमोस्ट पूरा मिल्क सूख चुका है और ये मिक्सचर अब हलवे की शेप में आ चुका है। इसे क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए और एडिड फ्लेवर देने के लिए हम यहाँ ड्राई फ्रूट्स को कोर्सली ग्राउंड करके ऐड कर देते हैं। मैंने यहाँ काजू और बादाम को कोर्सली ग्राउंड करके मिक्स किया है, आप अपनी पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट्स मिला सकते हैं। थोड़ी देर इसे और भूनेंगे। काजू और बादाम मिलाने के बाद हम डालेंगे इलायची का पाउडर 1/4 टीस्पून और फिर इसे अच्छी तरह चलाते हुए बहुत अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। हलवा हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, इसमें जो छुन छुन की आवाज़ आ रही है इसका मतलब ये पूरी तरह से पक चुका है और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल बटन ज़रूर क्लिक करिएगा। काजू और बादाम के हाफ पीसेस करके ऊपर से इसे हम गार्निश करते हैं। लीजिए, झटपट गाजर का हलवा बनके तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सावरची बावरची। जल्दी ही मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।